आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर विजियन मेडिसोल, चेयरमैन मेडिकल कमीशन हरियाणा, मेंबर ऑफ मेडिकल कमीशन इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, और इसके साथ साथ ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट वेनेजुएला में एज ए टीम डॉक्टर के रूप में जिन्होंने इंडियन टीम के साथ ही रहे। इसके अलावा इंडिया के पहले डॉक्टर जिनको डायरेक्ट ओलंपिक में मेडिकल वॉलंटियर के रूप में इनविटेशन मिला है, ऐसे पहले हमारे देश के डॉक्टर हैं। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर विपिन से। जी डॉक्टर विपिन, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एज ए डॉक्टर इन्वाइट किया गया है। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपको पहला इंडियन डॉक्टर एज ए एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि वॉलंटियर के रूप में आपको बुलाया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने विकास बॉक्सर को और जो अपने दो बॉक्सर और क्वालिफाई हुए हैं मनोज और शिवा थापा, कि इन्होंने फुल सपोर्ट किया है मेरे को। जहाँ भी मेडिकल की सर्विसेज की कोई भी बात हुई है तो इन्होंने मेरे को याद किया है और मैंने इनको पूरी सेवाएँ दी हैं मेडिकल सर्विसेज की। और दूसरी बात यह कि मैं रियो ओलंपिक्स की तरफ से जो मेरे को इनविटेशन मिला है उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा IOC का, कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मेरे को एज ए वॉलंटियर मेडिकल कमीशन का वहाँ पर मेंबर बनाने के लिए उन्होंने बुलाया मेरे को। और दूसरी बात, जो हमारी टीम जा रही है, तीनों बॉक्सर्स हैं, विकास कृष्ण, शिवा थापा और मनोज कुमार, तीनों फिजिकली वेरी फिट हैं, मेंटली बहुत फिट हैं। तो इनकी फिजिकली मेंटली फिटनेस के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और तीनों बहुत फिट हैं। जैसे कभी कभी फिजिकली मेंटली हम बात करते हैं, चलो फिजिकली तो खिलाड़ी के ऊपर इंजरी होती है, रिंग में हो जाती है या फिर और कई एक्सरसाइज करते टाइम हो जाती है, लेकिन जो मेंटली जो फिटनेस की बात आती है, मानसिक तौर पे कई बार जब खिलाड़ी बड़ी इवेंट में भाग लेने जा रहा होता है तो उसमें थोड़ा सा वो अपने आप को असहज महसूस करता है, डिमोरलाइज महसूस करता है। आप उनको उस असहजता से या उस डिमोरलाइजेशन से मोटिवेशन तक लेके आने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है कि इस तरह की उनको कोई दिक्कत ना आए इस बड़ी इवेंट में, रियो ओलंपिक की बड़ी इवेंट में? देखो ओलंपिक्स जो होता है वो हर स्पोर्ट्समैन का सपना होता है कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे, और बहुत कम ऐसे स्पोर्ट्समैन हो पाते हैं, लिमिटेड स्पोर्ट्समैन ही वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बहुत कम ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जो वहाँ जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बावजूद भी कोई वहाँ मेडल लेके आता तो बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो कोई नई बात नहीं है कि ओलंपिक्स में जा रहा है तो दबाव नहीं होएगा, दबाव सब पे होता है, लेकिन उसको दबाव को जो उभर पाता है उस दबाव से, वही एक चैम्पियन होता है, वही एक मेडल लेके आ सकता है। तो हम बहुत सारे हमारे पास टास्क होते हैं जिनसे हम जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको वो टास्क देते हैं, तो उनसे वो जो उनके टेंशन हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, वो उनको लगता है कि भाई हमें तो मोटिवेशन मिलता है, तो वो उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और हम उनको टाइम टू टाइम वो टास्क देते रहते हैं और वो उनसे वो मोटिवेट होते हैं, बिल्कुल। इंडिया के इस बार इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन जो है वो अभी है नहीं, तो उसके चक्कर में जो इंडियन बॉक्सिंग है उसका कुछ भला हुआ है या उसका कुछ इसमें बुरा आपको लगता है? देखो फेडरेशन नहीं है तो हमें हर जगह बहुत सारी बाउट्स ऐसी होती हैं, बराबर की बाउट्स होती हैं, वो हमें हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे वेनेजुएला गए थे हम ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, वहाँ पर अपने बॉक्सर नीरज गोयत हैं जो ऑलरेडी एशियन चैंपियन, एशियन टाइटल है उनके पास, जो अभी विजेंद्र सिंह की फ़ाइट हुई थी, विजेंद्र सिंह ने अभी वो टाइटल जीता है, लेकिन जो नीरज गोयत हैं उन्होंने एक साल पहले वो टाइटल जीत गया था, लेकिन मीडिया में कहीं खबर नहीं आई, बड़ी दुख की बात है। वो वहाँ पर गए थे, फाइट जो उनको पहली फाइट तो उन्होंने जीत ली थी, दूसरी फाइट जब स्टार्ट हुई तीनों राउंड से वो आगे थे, लेकिन फिर भी हमें हार का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारी फेडरेशन नहीं है। कहीं ना कहीं पक्षपात की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं बिल्कुल पक्षपात, वरना आज तीन बॉक्सर की जगह चार बॉक्सर होते, नीरज गोयत बहुत ही टैलेंटेड बॉक्सर हैं, वो आज क्वालिफाई होते, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं फेडरेशन नहीं थी, उसके लिए उनको हार का सामना करना पड़ा और वो क्वालिफाई से चूक गए। वही कारण रहा कि इंडियन के जो पिछले साल आठ बॉक्सर थे, मैरी कॉम इनमें एक महिला बॉक्सर भी रही जिन्होंने मेडल भी हासिल किया था, इस बार केवल तीन ही खिलाड़ी ओलंपिक के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना बॉक्सिंग फेडरेशन का ना होना इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या आप मैसेज देंगे इंडियन बॉक्सर्स को जो भी ओलंपिक के लिए जा रहे हैं? इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जो इंडियन के लिए जितने भी खिलाड़ी बॉक्सिंग इंडियन जो प्लेयर्स हैं ओलंपिक जा रहे हैं उनको अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपने स्ट्रेटजी है आपने जो दिमाग में आपका चल रहा है कि भाई वो ऐसा करें तो इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? देखो जी, हम यहाँ पर जो तीनों बॉक्सर्स हैं उनकी मेंटली और फिजिकली फिटनेस पे तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, साथ में
हमें वहाँ पर एज ए वॉलंटियर मेरे को वहाँ पर बुला भी लिया है, तो वहाँ भी फ़ायदा होगा कि मैं उनके साथ तीनों के साथ रहूँगा ओलंपिक्स में और उनको मोटिवेट करता रहूँगा। वो आपने सुना ही है कि विदाउट फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस भी ज़ीरो होएगी, और विदाउट मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस का भी कोई काम नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, फिजिकल फिट होएगा तभी बंदा मेडिकल फिट होएगा, या मेडिकल फिट होएगा मेंटली फिट होएगा तभी बंदा फिजिकली फिट होएगा। तो इसलिए दोनों पे दोनों बहुत जरूरी हैं। वो एक चाणक्य की कहावत है कि इफ़ यू लूज़ मनी यू कैन अर्न इट, इफ़ यू लूज़ योर वाइफ यू कैन गेट अनदर वन, इफ़ यू लूज़ फ्रेंड्स यू कैन गेट मोर फ्रेंड्स, बट इफ़ यू लूज़ योर हेल्थ यू नेवर गेट योर हेल्थ। सो जो भी मेंटल जो बंदा वेल्थ बोलते ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर डाइट सब का ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर, और तीनों बहुत ही फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं फिजिकली फिट हैं, और बाकी की वहाँ पर रियो जाएंगे, रियो भी इनका ऐसे ध्यान रखा जाएगा और तीनों मेडल लेके आएंगे। एक मैसेज जो इंडियंस को आप पूरे जो 125 करोड़ का हमारा भारत देश है, इनको एक छोटा सा मैसेज कि आपकी मोटिवेशन आपका फिजिकल मेंटली जो स्पोर्ट है खिलाड़ियों को मिलता रहेगा, इस बारे में आप एक छोटा सा मैसेज हमारी पूरी इंडियन की जो ऑडियंस है जो बॉक्सिंग के चाहने वाले हैं खेल को चाहने वाले हैं उनको एक छोटा सा मैसेज आप दें। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है उतना ही खेल इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है खेल इंपॉर्टेंट होता है, हर इंसान को पढ़ाई भी करनी चाहिए स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, क्योंकि फिजिकली जब तक फिट रहेगा तभी मेंटली फिट रहेगा, और मेंटली फिट रहेगा तभी फिजिकली फिट रहेगा। तो मैं इन सबको ये बोलना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, अगर स्पोर्ट्स में अच्छे निकल सकते हो तो स्पोर्ट्स पे आगे अच्छे निकलो, पढ़ाई में अच्छे निकल सकते हो पढ़ाई में अच्छे निकलो। और मैं वादा करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ तीनों का मेडल आएगा, और तीनों मेंटली फिट हैं फिजिकली फिट हैं, और वहाँ पर इन तीनों का ध्यान रखने के लिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। जी शुक्रिया, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।